अपना शहर अपनी बातें अपना शहर अपनी बातें सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते हम आपके लिए लाते कहीं पे चोरी कहीं पे डाका ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका मंत्री मोजी पाड़े का न्यूज अपनी चक पटा पटाका पटा पटाका पटा पटाका खबर दर खबर पहुँचे आपके घर देखे न्यूज ये पूरा शहर News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते हम आपके लिए लाते कोणार्क अपना शहर अपनी बात। हेलो सलाम सत श्री अकाल नमस्कार कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस एपिसोड की विशेष खबरों पर। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। मधुसूदन बापूजी के आनंद वृंदावन धाम द्वारा उल्लासनगर में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन हुआ। बताया जाता है कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में वैसे तो जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है लेकिन उल्लासनगर में भगवान खुद आते हैं ऐसी मान्यता ऐसा संदेश मधुसूदन बापूजी ने दिया। उनका ये कहना है कि जो लोग उड़ीसा नहीं जा सकते वो उल्लासनगर में ही जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आइए देखते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है और लाखों लाखों लोग देश विदेश से इस रथ यात्रा में आते हैं। भगवान की ऐसी कृपा है कि हमारे उल्लासनगर के वासियों के लिए भगवान यहीं पर आ गए हैं। जो लोग उड़ीसा नहीं जा सकते जगन्नाथपुरी भगवान कृष्ण बलरेम और सुभद्रा के दर्शन करने उनकी सुविधा के लिए यहीं जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और इस समय हमारे शहर के सारे नेताओं का एका और एकता देखकर भगवान बहुत खुश हो रहे होंगे और यही हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा एका हमारे पूरे शहर का बना रहे ताकि हमारा शहर भगवान की कृपा से बहुत प्रगति करे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर में आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में उल्लासनगर के गोल मैदान में नशे की हालत में एक हत्या के बाद अब उल्लासनगर 3 के सी ब्लॉक परिसर में विशाल मिश्रा नामक एक युवक की हत्या की गई है। बताया जाता है कि इसके अन्य दो साथी भी बुरी तरह से जख्मी हैं। इसके चलते दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी फरार है। हमारे पास इस विषय में क्या है उपलब्ध रिपोर्ट देखते हैं। अगर आप उल्लासनगर में रहते हैं तो जरा सा सतर्क रहें क्योंकि अगर जरा सी भी बात बिगड़ी तो आप अपनी जान गंवा बैठेंगे। यह हम नहीं बल्कि शहर की बढ़ती आपराधिक घटनाएं हमें कहने पर मजबूर कर रही है। नशे की हालात में पिछले हफ्ते की गई हत्या का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि उल्लासनगर के सेंट्रल पुलिस स्टेशन की हद में आने वाला सी ब्लॉक परिसर में एक और हत्या का मामला सामने आया है। विशाल मिश्रा नामक युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। इसी के साथ इसके दो साथी सनी और आकाश झा ये भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका कलवा अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। बहरहाल जिस प्रकार से शहर में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है वहीं एक और शहर में सुरक्षित उल्लास का नारा भी लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठने लगा है कि युवा जो कि शहर में बढ़ती नशे की लत के कारण इस प्रकार से हत्याएं कर रहे हैं तो अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इन पर किस प्रकार से लगाम लगा पाएगी।
बहरहाल सी ब्लॉक परिसर के हत्याकांड को सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने दर्ज कर लिया है और इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया है। विकास और अरुण नामक दो लोगों को गिरफ्तार किया है और इसी में राज नामक एक युवक फरार है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर में इन दिनों बाइक चोरी की घटनाएं भी बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसी ही एक घटना उल्लासनगर 3 के एक इमारत में देखी गई। सीसी फुटेज के इस पूरे नजारे से आइए देखते हैं कि किस तरह एक युवक पार्किंग से एक बाइक चोरी कर ले गया। शहर में आपराधिक घटनाएं और चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे शहर के नागरिक शहर में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। ऐसी चोरी की घटना उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 में घटी। आप इस सीसी फुटेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक युवक पार्किंग से टू व्हीलर को चुरा के ले जा रहा है। ये सारी घटना सीसीटीवी पर कैद हो गई। पुलिस ने मामले को दर्ज करके युवक की तलाश शुरू कर दी है। बहरहाल ये ऐसा एक पहला मामला नहीं जो कि शहर में सामने आया हो। लगातार शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में 4 से 10 अक्टूबर तक मेंटल हेल्थ वीक मनाया गया। इसी के चलते विभिन्न शिविरों का आयोजन भी किया गया। आइए देखते हैं। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के प्रसिद्ध सेंट्रल अस्पताल में हमेशा से ही सरकार द्वारा लोगों की हित के लिए मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जाता है। इसी के चलते वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मेंटली फिजिकल चैलेंज्ड बच्चों के लिए कैंप का आयोजन किया गया है और इस कैंप का काफ़ी लोग लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में ये कैंप 10 अक्टूबर तक चलेगा। हम नागरिकों से निवेदन करते हैं कि इस कैंप का लाभ उठाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। रोटरी क्लब ऑफ सपना गार्डन की ओर से 12, 13 व 14 अक्टूबर के दिन डांडिया रास का आयोजन होने जा रहा है। बताया जाता है कि इस डांडिया रास से जो भी जमा राशि होगी वो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए दान में दी जाएगी। साथ ही साथ उल्लासनगर के सर्वानंद हॉस्पिटल में डायलिसिस की मशीन के लिए भी फंड यानी राशि दी जाएगी। आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। उल्लासनगर की सारी साथ संगत को ये विनती की जाती है कि रोटरी क्लब ऑफ सपना गार्डन, हमारे गिरीश भाई जो हमेशा दरबार की सेवा में रहते हैं, कैंपे लगाते रहते हैं, एक नया प्रोजेक्ट वो करने जा रहे हैं, डांडिया का प्रोग्राम किया है। इसमें जो भी कमाई आएगी उससे, जो भी फंड्स आएंगे उससे थैलेसीमिया के लिए बच्चों के लिए और सर्वानंद में डायलिसिस मशीनों में लगाए जाएंगे। उल्लासनगर वासियों के लिए बहुत खुशखबरी है, 12, 13, 14 अक्टूबर को डांडिया रास जो उल्लासनगर वाले काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, डांडिया उल्लासनगर में जो खेलने वाले बच्चे, गर्ल्स बॉयज़ और फैमिलीज, खासकर हम ये कपल्स के लिए ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। प्योरली फैमिली प्रोग्राम है। आप सब उल्लासनगर वासियों को अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत ही अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। हमने बहुत अलग स्टाइल का डांडिया किया है। पहले दिन पे हमारी बॉलीवुड थीम है, बॉलीवुड थीम में हम इस बॉलीवुड स्टाइल डांसिंग, बॉलीवुड स्टाइल डांडिया। सेकंड डे पे हमारा फैशन शो थीम है जिसमें फैशन रैम्प पे डांडिया किया जाएगा रैम्प स्टाइल में। और सेकंड डे 13 को हमारे काफ़ी सारे टीवी एक्टर्स और मूवी एक्टर्स और टीवी एक्टर्स एंड बॉलीवुड एक्टर्स आ रहे हैं उस दिन के डे के लिए फैशन शो डांडिया रास, जहाँ पे रैंप पे डांडिया की जाएगी। एंड 14 को जो हमारी 14 को है ट्रेडिशनल, प्योरली ट्रेडिशनल गरबा स्टाइल, गुजराती स्टाइल, मैं ट्रेडिशनल स्टाइल डांडिया की जाएगी। तो हमने तीनों दिन पे थीम वाइज डांडिया रखे हैं। बहुत सारी प्राइजेस है मास्को बुटीक की तरफ से, MRP की तरफ से, काडरा की तरफ से, एकता ब्राइडल की तरफ से, स्वयं गोल की तरफ से, काफ़ी सारी प्राइजेस है जीतने के लिए। और आप सब लोग आइए और पार्टिसिपेट कीजिए और आप रियली डांडिया जो पूरे इंडिया में नहीं होता है आज हम उल्लासनगर में वो कर रहे हैं, जो डिफरेंट लेवल, मींस कहने का मतलब डिफरेंट लेवल हम डांडिया कर रहे हैं। और आइए और इसका अनुभव लीजिए। थैंक यू। उल्लासनगर जनता जै प्रोग्राम जो बेसब्री से हेडन साल का इंतजार करे थी, अज रोटी क्लब उल्लासनगर सपना गार्डन तवाज लाए डांडिया रास जो प्रोग्राम आंदो आ काड़ा डांडिया रास 2018 इन महीने के 12, 13, 14 तारीख स्काई गार्डन शांति नगर में इन हाउस डांडिया फर्स्ट टाइम थी थे पे इन टाइप जो स्टाइल जो पहले दफो इतने डांडिया रास कर इंतजार खत्म थी तभी के वेनती अची करो पूरा पूरा आनंद वा पासिस लाए टीवी एड से एडे ओडे सभी तक प्रचार मिल तेहरबानी कर कंखा भी कॉन्टेक्ट कर सकता सभी नंबर्स कॉन्टेक्ट नंबर तक अची हूँ। प्लस असाज इन डांडिया रास से बॉलीवुड जहाँ एक्टर्स इंदा, प्लस संत महात्मा इंदा, टीवी एक्टर्स इंदा,
और प्लस तवा सब का पैरी तो तवा सब इंदा ए फुल में फुल एंजॉय कंदा। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उत्कृष्ट प्रतिष्ठान द्वारा युवा मार्गदर्शन शिविर का आयोजन हुआ, जिसके चलते आदर्श शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। इस संदर्भ में अधिक क्या जानकारी दे रहे हैं इस कार्यक्रम के, इस शिविर के आयोजक, देखते हैं। एक भिमाई पोती आहो आज दिनांक 7/10/2018 आज उत्कृष्ट प्रतिष्ठान इथं माजी विद्यार्थी यांचा कार्यक्रम व तसेच सरांचा जे आमचे सर त्यांना आम्ही पारितोषिक दिलेले आहे व तसेच आमचे माजी विद्यार्थी सागर साठे व राहुल साठे यांचा गाण्याचा भी प्रोग्राम इथे आम्ही आयोजित केलेला आहे। तसेच माझे सर्व जे जुने विद्यार्थी आहेत ते आज सर्व इकडे कार्यक्रमाला उपस्थिती दिली, त्यांचे सर्वांचे धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम सर्वांना। मी तुमचा आपला राहुल साठे। आज आम्ही सर्वजण उत्कर्ष प्रतिष्ठान तर्फे एक कार्यक्रम आयोजित केला गेला आहे टाउन हॉल येथे, माझी विद्यार्थी मेळावा। तर खूप छान वाटते, सगळेजण एकत्र आलेत। आज जितके पण विद्यार्थी शिकून गेले मिनल अर्जुन चव्हाण विद्यालयामध्ये, मी पण त्याच शाळेमध्ये शिकलो आहे, माझा भाऊ पण। आणि आज सर्व विद्यार्थी आणि रिस्पेक्टेड आमचे सर्व टीचर्स, देवरे सर, शेवाळे सर, सुरवाडे सर, सर्व टीचर्स इथे उपस्थित आहेत आणि सर्व विद्यार्थी आम्ही एकत्र आलो आहोत आज। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। मुंबई के रंगशादा ऑडिटोरियम में सफलता के बाद सिंधी नाटक डे मथा पर कैंजे हथा अब उल्लासनगर के टाउन हॉल में आयोजित होने जा रहा है। बताया जाता है कि 14 अक्टूबर के दिन आयोजित इस नाटक को देखने के लिए लोगों का उत्साह उमड़ पड़ा है। देखते हैं। वी टीवी ए सिंधी यूथ ग्रुप जा कलाकार पेश था कन सिंधी मजाकी नाटक डे मथा पर कैंजे हथा आतवार 14 अक्टूबर शाम जो 6:30 बजे टाउन हॉल उल्लासनगर 3 सिंधी मजाकी नाटक डे मथा पर कैंजे हथा। इन नाटक जा स्पॉन्सर्स आहिन जीव दया संस्थान, श्री प्रकाश माखीजा, देव लाइफ स्पेसिस, गिरधर स्टील फर्नीचर्स, कैलाश पर्वत ट्रेडिंग कंपनी, JSK इन्वेस्टमेंट्स। तो याद रखना सिंधी मजाकी नाटक डे मथा पर कैंजे हथा आतवार 14 अक्टूबर शाम जो 6:30 बजे टाउन हॉल उल्लासनगर 3 सिंधी मजाकी नाटक डे मथा पर कैंजे हथा। लगातार 30 सालन खां सिंधी रंगमंच, सिंधी नाटक ए सिंधी फिल्मों के जरिए सिंधियत की जोत जगाने वाला वी टीवी ए सिंधी यूथ ग्रुप जा कलाकार पेश करे रहा है सिंधी मजाकी नाटक डे मथा पर कैंजे हथा। 2 कलाकन जो फुल लेंथ ड्रामा, मनोरंजन ए सामाजिक संदेश से भरपूर सिंधी मजाकी नाटक डे मथा पर कैंजे हथा आरतवार 14 अक्टूबर शाम जो 6:30 बजे टाउन हॉल उल्लासनगर 3 इन नाटक जो पासू ए स्पॉन्सरशिप के लिए तुम संपर्क कर सको 9822448808। तो याद रखा वी टीवी ए सिंधी यूथ ग्रुप के कलाकार के पारा सिंधी मजाकी नाटक डे मथा पर कैंजे हथा आरतवार 14 अक्टूबर शाम जो 6:30 बजे टाउन हॉल उल्लासनगर 3 सिंधी मजाकी नाटक डे मथा पर कैंजे हथा। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर में इन दिनों सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की सारी सामाजिक, सांस्कृतिक व शिक्षा के क्षेत्र की सारी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और लोगों का असीम इज्जत प्यार हासिल कर रही हैं।
बताया जाता है कि उल्लासनगर के सिंधु एजुकेशन सोसाइटी द्वारा जब शिक्षक दिवस मनाया गया तो सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहां मैनेजमेंट के सारे पदाधिकारी उपस्थित रहे और सिंधी रस्म संस्कृति व रीत के साथ सभी को सम्मानित भी किया गया। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी द्वारा इसी शिक्षक दिवस को मनाते हुए जब शिक्षकों को सम्मानित किया गया तो उनके जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्रीज भी वहां चलाई गई। इसी के चलते छात्रों को यह मालूम हुआ कि उनके शिक्षक किस तरह किस हद तक जीवन भर उनके लिए संघर्ष करते रहे, शिक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं सिंधु एजुकेशन सोसाइटी का हिस्सा हूँ। मैं इसी सिंधु एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ा लिखा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इसी सोसाइटी में सेवा करने का मौका मिला है। इस टीचर्स डे के दिन पर मैं सारे टीचरों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ एंड हैप्पी टीचर्स डे। मैं सिंधु एजुकेशन सोसाइटी का मतलब वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं ये 40 बरस से मैं वाइस प्रेसिडेंट मैंने दी है। हेलो ऑल, इट्स बीन वन ईयर आई हैव टेकन द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी ऑफ दिस प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ उल्हासनगर नेम सिंधु एजुकेशन सोसाइटी। आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद SCS फैमिली। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आइए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विनोद लक्ष्मण दास कस्तूरिया सर। पिछले 28 सालों से टीचिंग प्रोफेशन और पिछले 12 सालों से सिंधु एजुकेशन सोसाइटी से कभी ना टूटने वाला नाता है विनोद कस्तूरिया सर का। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी में इस वक्त मोस्ट सीनियर HM है। विनोद कस्तूरिया सर को बेस्ट HM के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अच्छी सोच, अच्छी संगत, अच्छे कार्य
और अच्छे विचार जिसके पास होते हैं उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। मिसेज मुस्कान अशोक हेमनानी जी का गहरा नाता है सिंधु एजुकेशन सोसाइटी SES से। BA, BCom, BEd तक उच्च शिक्षित हैं। बच्चों को इंग्लिश, मैथ्स और साइंस पढ़ाती हैं। स्टूडेंट्स चाहे SES सीतलदास खेमानी हाई स्कूल के हों, MIAM गर्ल्स हाई स्कूल के हों या BG तिलक हाई स्कूल के हों, मुस्कान मैडम उनके बीच बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी कर्तव्य निष्ठा, मिलनसार स्वभाव, स्टूडेंट्स के प्रति वचनबद्धता को देखते हुए टीचर्स डे के शुभ मौके पर मुस्कान मैडम को बेस्ट टीचर के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। दिल सा सबनी के वादेंगे और जितने भी सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के टीचर्स वगैरह हैं वो डेडिकेटेड हैं, बच्चों के पढ़ाई का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं और उन टीचरों को मैं टीचर दिवस के हेतु शुभकामनाएं देता रहे। वो अपने काम में लगे रहे जो कि वो काम अपने लग्न से करते। आई एम देवीदास के छाबड़िया, मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ सिंधी एजुकेशन सोसाइटी। आई हेयर बाय कन्वे माई हार्टी कंग्रेचुलेशन ऑन द ईव ऑफ टीचर्स डे।
इसी के चलते सिंधु एजुकेशन सोसाइटी द्वारा जब शिक्षक दिवस मनाया गया तो शिक्षकों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया गया। ऐसी प्रतिभा का प्रदर्शन जो कभी ना देखा गया हो, आइए देखते हैं। साहित्य संस्कार ए कला निखारी मराठी ची ही माझी टीचर घडवला यांनी माझा फ्यूचर राज्यभाषा मला शिकवली ज्यांनी जोडवलं मला माझ्या महाराष्ट्राशी ज्यांनी
हिंदी की है ये मेरी टीचर, बनाया इन्होंने मेरा फ्यूचर। भाषा राष्ट्र की इन्होंने मुझे सिखाई, जिससे जुड़ा मैं पूरे राष्ट्र से मेरे भाई। शी इज माई इंग्लिश टीचर, शी वर्क हार्ड टू मेक माई फ्यूचर। शी टॉट मी इंग्लिश लैंग्वेज दैट कनेक्ट मी टू एवरी कंट्री एंड विलेज। गणित के है ये मेरे टीचर, बनाया इन्होंने मेरा फ्यूचर। गुणा विभाजन जोड़ काट इन्होंने सिखाया, जो जिंदगी में मुझे बड़े काम आया। साइंस के है ये मेरे टीचर, बनाया इन्होंने भी मेरा फ्यूचर। टेक्नोलॉजी की थी सारी जानकारी, फिंगर टिप्स पर है ये मेरी दुनिया सारी। सोशल साइंस के है ये मेरे टीचर, बनाया इन्होंने भी मेरा फ्यूचर। इतिहास सिविक्स ज्योग्राफी की दी सारी शिक्षा, जिंदगी के राहों में दी मुझे सही दिशा। ये है मेरे डांस के टीचर, इन्होंने भी बनाया मेरा फ्यूचर। नाचकर दुनिया को कैसे नचाना, येड़ा बनकर कैसे है पेड़ा खाना, ये सब मैंने इन्हीं से है जाना। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के विभिन्न पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायतों के आधार पर हमारे पास क्या है उपलब्ध क्राइम रिपोर्ट, आइए देखते हैं। उल्लासनगर 4 ओटी सेक्शन परिसर से नीलेश लालवानी नामक 7 वर्षीय बच्चे का अपहरण का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 363 के तहत मिसिंग बच्चे की तलाश कर रही है। उल्लासनगर 4 वीनस चौक परिसर से हरी तलरेजा नामक व्यक्ति की सुजुकी हयात ये बाइक चोरी की घटना सामने आई है। इस बाइक का नंबर है MH05BV0048। ये पूरा मामला विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 379 के तहत मिसिंग बाइक की तलाश कर रही है। उल्लासनगर 2 रमाबाई टेकड़ी परिसर में गेंदालाल लोदवाल नामक व्यक्ति के घर में चोरी की घटना सामने आई है। संबंधित व्यक्ति के घर में संदीप सालवे नामक व्यक्ति द्वारा चोरी की गई थी। ये पूरा मामला उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 380 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड कोणार्क न्यूज, अपना शहर अपनी बातें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज प्रोग्राम कोणार्क न्यूज, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।